नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस को सिंप्लीफाई करते हैं, नई नई डिशेस आपको सिखाते रहते हैं और कई पुरानी डिशेस को भी लेके आते हैं। वैसे आज वही एक घरेलू डिश आपके सामने लेके आया हूं। जैसे कुछ हफ्ते पहले मैंने और अमृता ने आपको मेथी दो तरीके से दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी अभी देख लीजिए, उसी तरीके से आज मैं आपके लिए अरबी यानी कि गुइया यानी कि कोलोकेशिया इसके दो दो रेसिपीज लेके आ रहा हूं। एक अमृता की मम्मी के स्टाइल का, एक मेरी मम्मी के स्टाइल का। तो चलिए बनाते हैं अरबी टू वेज। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है दोनों की दोनों, और इसके साथ साथ मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि अरबी को हैंडल करना, अरबी को खरीदना, किस तरीके से उसको पकाना है, कितना पकाना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अरबी के बारे में बात करने से। जब आप अरबी खरीदते हैं तो वो इतनी साफ नहीं दिखती, ये मैंने धो ली है। जनरली मिट्टी के अंदर से ये आलू की तरह उगाई जाती है, इसलिए मिट्टी इसमें लगी होती है, लेकिन मेक श्योर आपको ये करना है कि इस तरह के इसके जो बाल हैं वो बाल आपको दिखने चाहिए। अरबी जब आप खरीदें तो देखें कि वो मॉइस्ट हो लेकिन लिसलिसी ना हो। अरबी जो है कई तरीके से बनाई जाती है। अरबी का टुक बहुत फेमस है, सिंधी लोग बनाते हैं, अरबी को बॉयल करते हैं, स्मैश करते हैं, फ्राई करते हैं और उसके ऊपर एक मसाला डाल देते हैं। अरबी की बेसन वाली कढ़ी, अरबी की जो दो सूखी सब्जी हम बना रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारी डिशेस बनती हैं, लेकिन मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि अरबी के साथ मीट अगर आप बना के देखें ना तो वो भी बहुत टेस्टी बनता है। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, कभी और बनाएंगे। चलो अब बनाते हैं अरबी टू वेज। अभी अरबी जो है वो छोटे बड़े दोनों शेप्स में आती है, तो छोटी वाली अरबी को मैंने बॉयल करके छील के 1/2 कर लिया है। जब अरबी बॉयल करते हैं तो थोड़ी वो लिसलिसी हो जाती है, तो आप उसकी कोई चिंता ना करें क्योंकि वो लेस जो है वो पकाने से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो बड़ी वाली अरबी थी उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। ये लंबी कटी अरबी की रेसिपी जो है वो अमृता की मम्मी की है, और ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये रेसिपी मेरी मम्मी की है। सबसे पहले मेरी मम्मी वाली रेसिपी वो शुरू करते हैं। एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल में इस अरबी की डिश का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन कुछ लोगों को सरसों का तेल ही पसंद नहीं है, तो आप नॉर्मल ऑयल में बना सकते हैं, आप घी में भी बना सकते हैं। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाए उसके अंदर मैं डाल रहा हूं थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली। अब इसमें डालूंगा मैं ढेर सारा चॉप किया हुआ गार्लिक। वैसे ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, और मेरी मम्मी की रेसिपी की स्पेशलिटी यही है कि वो जो भुना हुआ गार्लिक का टेस्ट, हल्का सा दबा हुआ अदरक और हरी मिर्च का टेस्ट, और फिर जो बेसन में लिपटी हुई अरबी जो होती है ना वो साथ में मिलती है तो मज़ा आता है। तो गार्लिक में कंजूसी मत करना, मतलब गार्लिक अच्छी तरह अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे से ब्राउन होना चाहिए। एक बार गार्लिक ब्राउन हो जाए उसके अंदर डालेंगे अब ये अरबी जो कि मैंने बॉइल कर ली है। अब एक टिप ये है कि अरबी कभी भी कच्चे से आप बना रहे हैं तो वो रस्सेदार बनाएंगे तो बढ़िया बनेगी। सूखी सब्जी अगर अरबी की बना रहे हैं तो उबाल के ही बनाइए, नहीं तो बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा वो लेस छोड़ेगी। पहली बात तो कच्ची अरबी को छीलना बहुत मुश्किल है ना, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है उसमें, तो इसलिए उबाल लो, छील लो, काट लो। सॉफ्ट वाली अरबी ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बार अच्छे से अरबी गार्लिक के साथ कोट हो जाए अब डालेंगे इसमें थोड़े से सूखे मसाले। मैं डाल रहा हूँ नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इन सूखे मसालों को थोड़ा सा पका लेंगे और फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। अब ये जो बेसन है ये मसालों के साथ भुनना चाहिए। तेल गर्म है, अरबी का टेम्परेचर अच्छा खासा है, इसीलिए ये बेसन जो है वो बढ़िया से भुन जाएगा। इसे हल्की आंच में भूनते रहिए, क्योंकि जितना बेसन भुनेगा, गार्लिक भुना हुआ है, उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ये बेसन हल्का हल्का अरबी को चिपकने लगेगा फिर इसमें हल्का सा पानी का छिट्टा मार के इसे ढक के पका लिया जाएगा। अब ये देखिए बढ़िया से ये स्टीम में बढ़िया से पक चुका है, बेसन ने अच्छा लटपटा जो इसको बिल्कुल एक साथ जोड़ लिया है। अब इसमें डाली जाएगी हल्की सी खटास, मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, फाइनली चॉप किया हुआ धनिया, एंड ये मेरी मम्मी वाली अरबी की सब्जी तैयार। अब बनाते हैं अमृता वाली मम्मी की सब्जी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अरबी की कतली या फिर अमृता की मम्मी की जो अरबी की रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले एक पैन में सरसों का तेल गर्म कर लिया जाए, उसमें भी डालेंगे अजवाइन।
अब जो अरबी की कतली की रेसिपी है या फिर अरबी जो अमृता की मम्मी वाली रेसिपी है उसमें भी अजवाइन जा रहा है। देखिए अरबी कभी भी बनाएंगे तो उसमें अजवाइन, हींग ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं क्योंकि अरबी हैवी होती है, उसको पचाने के लिए आपको अजवाइन हींग की ज़रूरत पड़ती है। और फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा सा हींग। अब हल्का सा इसे सॉटे करेंगे और फिर ये अरबी जो हमने उबाल के स्लाइसेस करे हैं उसे हम अब पकाने डाल देंगे। नमक डाल रहा हूँ इस स्टेज पे मैं। अब डालेंगे हल्दी, अरबी को ढक के पका रहा हूं। इसमें मैं डालूंगा हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर और हल्का सा अमचूर का पाउडर, फाइनली थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर। और ये वाली सब्जी भी तैयार। अब ये दो टाइप की अरबी की सब्जियां बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे टिफिन बॉक्स में डालिए, डिनर में खाइए, लंच में खाइए। देखिए अरबी उबालना और अरबी छीलना इतना ही काम था, बाकी तो यूं फटाफट हो गया। और बहुत ही टेस्टी बनी है, पराठों के साथ, दाल चावल के साथ, फुलके के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत मज़ेदार और उमदा बनी है। तो अब जाइए और हमारी मम्मियों की रेसिपी अपने घर में बनाइए। द बिग डैडी शेफ कुक बुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।